जैसे ही सासू माँ ने अजीब से दिखने वाली इस गुड़िया को घर से बाहर निकाला, उसका फोन बज उठा। फोन उसके गांव से था। उसकी बड़ी बहन की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। इस गुड़िया की ऐसी क्या माया थी कि उसे निकालने की कोशिश करते ही घर में बुरा साया मंडराने लगा। मैं हूँ कहानी वाली पूजा, आपके लिए हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री स्टोरीज लाती हूँ। आज की कहानी का आइडिया मुझे मिला है भोपाल में रहने वाले अमन से। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। विमला ने अपने घर का दरवाजा खोला और सबको बाहर चौखट पर ही रुकने को कहा। विमला झट से पूजा की थाली ले आई। पहले विमला ने अपने पोते के माथे पर काला टीका लगाया और फिर सबकी आरती उतारने लगी। सुकुमार और राधा को शादी के 8 साल के बाद बच्चा हुआ था। विमला, जो सालों से खानदान के चिराग का इंतजार कर रही थी, खुशी से झूम उठी। घर में हवन करवाया गया और दूर दूर से रिश्तेदार आए। परिवार को मिला ढेर सारा आशीर्वाद और तोहफे। सबके जाने के बाद विमला और बहू राधा ने सारे तोहफे खोल कर देखे। सबके लिए कपड़े और नन्हे मेहमान के लिए थे ढेर सारे खिलौने। इनमें से एक खिलौने को देखकर सासू माँ विमला ठिटक कर बोली, ये अजीब सी बड़ी बड़ी आंखों वाली गुड़िया किसने ली है? लड़के को गुड़िया कौन देता है भला? राधा ने जवाब दिया, माँ जी, आजकल ना सब चलता है, लड़के गुड़िया से खेल सकते हैं और लड़कियां क्रिकेट का बल्ला घुमा सकती हैं। अरे पर छुपन से ही अगर लड़का गुड़िया से खेलेगा तो बड़ा होकर लड़कियों की तरह पाउडर लिपस्टिक ना लगाने लगेगा, ये गुड़िया घर में नहीं रहनी चाहिए। गुड़िया को हाथ में लिए विमला घर से बाहर निकल गई। बहू राधा ने खिड़की के बाहर झांका। विमला रद्दी वाले से बात कर रही थी और पुराने अखबारों के साथ रद्दी वाले को गुड़िया भी बेच रही थी। रद्दी वाले से छुट्टे पैसे लेकर विमला जैसे ही घर के अंदर घुसी तो उसका फोन बज उठा। फोन उसके गांव से था। विमला की बड़ी बहन की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और विमला को फौरन गांव बुलाया गया था। घर में पोते को आए 10 दिन भी नहीं हुए थे और विमला को पोते से दूर जाने को कहा जा रहा था। सासू माँ ने सुबह की ट्रेन पकड़ी और गांव के लिए निकल चली। सासू माँ के जाने के बाद राधा ने अकेले ही घर का कामकाज खत्म किया और थक कर मुन्ने के पास बैठी। जानते हैं मुन्ने के हाथ में क्या था? वही गुड़िया जो सासू माँ ने रद्दी वाले को बेच दी थी। राधा ने मुन्ने के हाथ से गुड़िया छीनी और उसे ध्यान से देखा। गुड़िया तो वही थी, पर ये मुन्ने के हाथ में पहुंची कैसे? तभी बाहर से आती हुई रद्दी वाले की आवाज ने राधा का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हाथ में गुड़िया उठाए राधा दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और बोली, ये गुड़िया तो मेरी सासू माँ ने तुम्हें बेची थी ना? रद्दी वाला बोला, अरे वो गुड़िया तो हमने अपनी बेटी को दे दी, अभी घर से निकले थे तो उसी से खेल रही थी। जो गुड़िया आप दिखा रही हैं वो कोई दूसरी होगी। रद्दी वाला ये कहकर निकल गया। उसकी बात सुनकर राधा बहुत चक्की रह गई। खिलौनों में कोई दूसरी गुड़िया तो थी ही नहीं, तो ये गुड़िया कहां से आई? तभी पड़ोस में रहने वाली 4 साल की चिंकी अपनी बड़ी बहन के साथ वहां से गुजरी और राधा के हाथ में गुड़िया देखकर खेलने की जिद करने लगी। राधा ने फौरन गुड़िया बच्ची के हाथ में थमाई और घर आ गई। कुछ घंटों बाद सुकुमार भी अपनी दुकान से लौट आए। सुकुमार और राधा में बहुत प्यार था। सुकुमार बोले, अरे अभी माँ भी घर पर नहीं है, सुबह से तुमने कितना काम किया होगा, मुन्ने को भी संभाला होगा, आओ तुम्हारे पैरों में मालिश कर देता हूँ। राधा नाना करती रही, पर सुकुमार ने तेल गर्म करके राधा के पैरों की मालिश की। मालिश के बीच राधा की आंख लग गई। मुन्ना भी पास रखे पालने में सो रहा था। अचानक राधा की आंख खुली और अपने सामने का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आखिर राधा ने ऐसा क्या देखा? क्या सुकुमार और मुन्ना ठीक थे? गुड़िया को घर से निकालते ही
सासू माँ के गांव से बुरी खबर क्यों आ गई थी? मैं जानती हूँ कि आप इन सवालों का जवाब चाहते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा अगले एपिसोड में। ये कहानी आपको लगी कैसे? अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ कहानी वाली पूजा। मेरी इस कहानी का आइडिया मुझे मिला था भोपाल में रहने वाले मेरे सब्सक्राइबर अमन से। थैंक यू अमन। अगर ऐसे हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर, मिस्ट्री स्टोरी आइडियाज़ आपके भी हैं तो मुझे उनके बारे में बताइए कमेंट्स में या मेल पर। आपके स्टोरी आइडिया को एक पूरी कहानी में कन्वर्ट करके मैं लाऊंगी आपके लिए अपने चैनल पर। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।